टू अवर चैनल। तो चलिए सीखते हैं। आज हम जिस चैप्टर को समझने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, एनिमल्स प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। बताता हूँ कैसे। हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को और उन्हें खा जाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। इस तरह से हर्बीवोरस को प्लांट से मिली हुई न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली कार्निवोरस एनिमल्स को भी मिल जाती है उनके खाने पर। एनिमल्स के खाने का तरीका भी कुछ अलग होता है, जैसे कि बटरफ्लाई और हनीबी, ये नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर से। स्नेक्स और लिजर्ड, ये बिना चबाए अपने खाने को निगल जाते हैं। इनफेम्स, जैसे कि इंसान और काओ, ये वो है जो माँ के दूध पर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी में पाए जाने वाले खाने पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। चलो अब हम जान लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ये कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्री कैनाल और सेक्रेटरी ग्लांस का। पहला है माउथ और ब्यूकल कैविटी। आप कैसा भी खाना खाओ, माउथ में ही उसका इनडाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपके दांत हर एक खाने को चबाने और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में हेल्प करता है। आपके जीभ के टेस्ट बड्स से आपके खाने का टेस्ट आपको पता चलता है, और साथ में सलाइवा को खाने में मिक्स होने में भी जीभ हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा खाने के साथ मिक्स होकर आपके खाने से स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। इसोफेगस, फूड पाइप से ही पास होकर आपका खाना स्टोमक तक जाता है। स्टोमक, एक यू शेप्ड बैग जो कनेक्टेड है आपके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टोमक के तीन चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। म्यूकस, जो स्टोमक के इनर लाइनिंग को स्टोमक के अंदर के एसिड से प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके खाने के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया हो तो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। डाइजेस्टिव जूस, ये हेल्प करता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन होने में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल के शेप में होता है जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 7.5 मीटर जितनी होती है। इसे लिवर और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड होती है। ये एक रेडिश ब्राउन कलर का सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे पूरे बॉडी में। उसके अलावा ये फैट को डाइजेस्ट करने वाले बाइल जूस प्रोवाइड करती है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियास प्रोवाइड करती है पैनक्रियाटिक जूस जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसे कहते हैं विली। विली अपने सरफेस एरिया को बड़ा करके डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस है एब्सॉर्प्शन, और आखिर इससे मिलने वाली एनर्जी हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स अपने फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एजिमुलेशन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 1.5 मीटर जितनी है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से पास होकर रेक्टम तक जाता है। एगेशन प्रोसेस, आप इन्हें देखकर ही समझ सकते हो। अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड फिर एनस से बाहर निकल जाता है। क्या इंसान घास डाइजेस्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें होता है हाई सेलुलोस जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये घास खाने वाले एनिमल्स कैसे इन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले एनिमल्स घास को स्वॉलो करते हैं जो एंटर होता है रूमेन में, एक एक्स्ट्रा स्टोमक जैसा ही समझो। ये एंटर हुआ घास रूमेन से कर्ड के फॉर्म में फिर से उनके मुंह में वापस आता है और वो इस कर्ड को चबाते हैं।
इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन, डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेप बदल सकता है। एमीबा अपने शिकार या खाने को उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम सिलोपोडिया कहते हैं, उससे घेर लेता है। फिर अपने शिकार को फूड वॉक्यूल्स में डाइजेस्ट करके उसके अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर भी निकाल देता है। यहाँ पर हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।